देर वार्लिच ऑन लाइक टेक्निकल इशू हुआ था राइट सो वी वी दैट इज रिकन्सलेन स्टेटमेंट स्टूडेंट सर आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी एंड uh, फर्स्ट ईयर के जो फाइनेंशियल uh, फाइनेंस अकाउंट है उसमें आपने रिकंसले स्टेटमेंट बनाया होगा देखिए रिकंसले स्टेटमेंट हम बनाते कैसे दैट इज टू चेक वेदर ऑल दिज इंफॉर्मेशन एंड ऑल दी डेटा है इसलिए हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रिकनसलेशन स्टेटमेंट हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो कंपनी के पास दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था राइट right? एंड जो कंपनी ने ओवरऑल जो वैल्यू एडिशन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है राइट right? क्या वो सही है या गलत है हम वो जानना चाह रहे हैं देखिए अगर आप कंपेयर करोगे The tax and gross value added. तो क्या है? नहीं होगी नहीं होगा पीबीटी में है जो मैन्युफेक्चरिंग कॉस्ट है वो नहीं होगी ऑलरेडी माइनस होगी क्योंकि बिफोर टैक्स है ना बिफोर टैक्स है

देखिए आपको पता है कि जो हमारा जीवी जी होता है अगर आप जीवीए में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो एनवी आता है राइट ये वही है मान लीजिए आपको एन से आपको से जीवी में जाना है तो आपके कर बैक करोगे तो आपके हाथ में क्या जी आ जाएगा जीबी आ जाएगा ये वही आपका दैट मीन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है राइट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप सारे जितने भी कोस्ट अगर आप बैक करोगे तो आपके हाथ में क्या जी आ जाएगा जीबी आ जाएगा

वो सारा ऐड बैक हो जाएगा राइट तो यहाँ पर देखिए डेप्रेशन ऐड हो गया ये भी ऐड हो गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सा आपका ये अगेन लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म वाला नहीं है राइट याद रखना जब आप प्रिपेयर करोगे दैट इज रिकनस स्टेटमेंट राइट तो आप सीधा सीधा आप किसको देखना है आपको देखना है वैल्यू एडिड एप्लीकेशन को वैल्यू एडिड स्टेटमेंट को राइट इसमें देखिए आपका एक तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा अच्छा गवर्नमेंट का टैक्स आएगा नहीं बिकॉज बि बिफोर टैक्स है ना अभी जब तो टैक्स पे किया नहीं तो इसलिए हम इसको हम कुछ नहीं करेंगे पे टू फाइनेंस हाँ इसको ऐड करेंगे डिविडेंड बाद में बांटते हैं उसका तो भी कुछ नहीं करेंगे राइट इसमें देखिए यहाँ आप पर आप आपका डेप्रिसिएशन हाँ ये करेंगे रिजर्व देखिए कब बनता है जब आपका सारा जो है जितना प्रॉफिट ये तो प्रॉफिट मोरिड ऑलिडी इंक्लूड है ना ये तो प्रॉफिट में रिजर्व रिप्लेसमेंट रिजर्व है ना ये ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूड है इसको हम कुछ नहीं करेंगे इसका भी कुछ नहीं क्योंकि टैक्स बाद में देते हैं

डायरेक्टर्स कोई भी हो चाहे पार्ट टाइम हो चाहे रेगुलर हो ठीक है कुछ भी हो उनको चाहे कोई भी कमीशन या सिटिंग फी या कुछ भी दी जा रही है वो सब डायरेक्टर को माना जाएगा तो यहाँ पे स्पेंट का तो फिर कुछ करेंगे रिलेवेंट कोई दिक्कत नहीं है आगे लिखा हुआ है फाइनेंस कोस्ट के लिए इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड है अच्छा ये जो फाइनेंस कोस्ट की बात हो रही है दिस मै दैट इज फिफ्टी टू लैक इसकी बात हो रही है ये बोल रहे हैं कि इसमें वर्किंग कैपिटल अच्छा याद रखना होगा क्या आपका लॉन्ग या क्या आपका शॉर्ट टर्म तो उसको कोस्ट मान के चलेंगे ये लॉन्ग टर्म है तो उसको हम एप्लीकेशन ले कर चलेंगे ये भी लॉन्ग टर्म है तो उसको हम एप्लीकेशन ले कर चलेंगे देन अदर एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं अदर एक्सपेंस यहाँ पर देखिए क्या कहें टू फोर्टी एट लैक तो इसको देखिए क्या अच्छा लोकल टैक्स गिवन आपको ये कहाँ जाएगा आपका ये गवर्नमेंट को जाता है ना तो किस में जाएगा ये एप्लीकेशन में चला जाएगा अदर मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसिज या फिर क्या हो जाएगी कोर्स्ट हो जाएगी राइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कितने आपको दिस दिसमे अमाउंट तो ये भी आपकी कॉस्ट हो जाएगी राइट right. आगे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑडिट फी अमाउंटिंग टू दिस एंडमैच अमाउंट कोई दिक्कत नहीं है फी एंड कमीशन डायरेक्टर अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर उसमें से थर्टी एट में से टेन रुपीज़ टेन लाख रुपीज किस जा रहा है डायरेक्टर को जा रहा है अच्छा डायरेक्टर को तो अलग से अमाउंट जाएगा जब पे टू करेंगे तो वहाँ लिखेंगे

जब हम करते हैं ना एक्सपेंशन नाम है कंपनी तो ये चला जाएगा लाइक right? चलिए अब हमें क्वेश्चन की सॉल्यूशन सेल्स गिवन है आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट में देखिए यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या आएगा आपका देखिए टोटल अमाउंट का आपको कितना गिवन था आपको दैट इज uh, आपको यहाँ पर देखिए एक तो ये गिवन आपको थ्री सेवनटी एट टू सिक्सटी एट आपको ये गिवन है राइट एंड वन एटी एट आपको ये गिवन है राइट तो बस इन सबको आप ऐड बैक करोगे आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट है आपकी अड़तीस लेकिन आपको पता है अड़तीस में से जो है टेन लाख रुपीज़ जो है वो किसके लिए जा रहा था वो आपका इसमें दस लाख रुपये जो है वो डायरेक्टर के तो वो डायरेक्टर तो पार्ट है नहीं इसका तो थर्टी एट में से टेन रुपीज लेस कर देंगे तो कितना बचा 28 then, loan, है ट्वेंटी एट लैक देन इंटरेस्ट ऑन वर्किंग लोन या आपका शॉर्ट टर्म लोन है यहाँ पे आ जाएगा वैल्यड होगा आपका थ्री फिफ्टी लैक्स अदर इनकम होगा गया फिफ्टी तो टोटल तो 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 ग्रोथ वैल्युड कितना हो गया फोर हंड्रेड लैक्स इजी है देन वैलिड डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉय का कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए यहाँ पर एटी टू की था पूरा लिख दिया यहाँ पर देखिए एटी टू आ गया पेड एक्टर आपको टेन लाख रुपीज का सेंट्रल को क्या पे टैक्स में लोकल टैक्स कितना थर्टी टू इनकम टैक्स देखिए प्रोविजन गर्टी टू तो यहाँ लिख देखिए हम पे तो कुछ करेंगे तो टोटल अमाउंट रहेगा फिफ्टी फोर लॉन्ग टर्म लोन फोर्टीन एंड ट्वेंटी फोर था देखिए लॉन्ग टर्म लोन अभी हमने देखा था राइट right? तो थर्टी एट लैक हो गया आपका शेयर शेल्डर को डिविडेंड पे कर रहे हैं इंटरमीडी डिविडेंड ट्वेंटी टू लैक का अब यहाँ पर देखिए प्रोवाइड मेंटेनेंस मेन्टेनेंसमिशन का डेप्रिसिएशन जाए। चला जाएगा हमें रिजर्व हो गया रिटर्न प्रॉफिट इतना राइट अच्छा रिटर्न प्रॉफिट यहाँ पर देखिए कैसे कैसे आता यहाँ पर देखिए आपका टोटल जो प्रॉफिट कितना था देखिए यहाँ पर टोटल कितना था टू टू ट्वेंटी था टू ट्वेंटी में से तो इतना अमाउंट था देखिए रिजर्व में ट्रांसफर हो गया एक सौ बीस और उसमें से बाईस जो है डिविडेंड पे कर दिया तो वो सब माइनस कर देंगे तो टोटल जो है रिटर्न प्रॉफिट कितना होगा आपका फोर्टी सिक्स सबको सबको बैक कर दिया वन फोर टोटल अमाउंट हो गया फोर हंड्रेड बाकी फिर हमने का का means, है जोश निकाल लिया दट मीन इम्प्रू कितना ज़्यादा है ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट डायरेक्टर को टू पॉइंट फाइव परसेंट गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस दैट इज थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट फाइनेंसर को नाइन पॉइंट फाइव परसेंट शेयर होल्डर को फाइव पॉइंट फाइव परसेंट एंड एक्सपेंशन दैट इज फोर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट अब यहाँ कह सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन कह सकते हैं कि हाँ इस कंपनी की जो है वैल्यूड एप्लीकेशन फार बेटर कंपनी देखें जो है को कुछ पे कर भी रही है देखिए सौ परसेंट में से साढ़े पांच परसेंट से जाता रहा है और दूसरा कंपनी कंपनी जो है फालतू खर्चा नहीं करी कंपनी जाए ही काफी सारा देखिए रिजर्व भी बना रखा है देखिए जनरल रिजर्व भी बना रखा है रिटर्न भी किया है राइट तो ये यानी कंपनी आगे के लिए काफी अच्छी सोच रही है राइट अब आगे देखते हैं रिकनसलिस्टेशन अच्छा आप देखिए क्या क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको जो गिवन था

बिकॉज एक तरह से ये चार्ज की तरह होता है ना तो इसलिए हम इसको बैक करेंगे राइट चलिए ना टू क्वेश्चन नंबर थर्ड रेवेन्यू गिन है अदर इनकम ये सब गिवेन आपको सब वही है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर तो मेनली हमें जो है अच्छा यहाँ पर गिवेन है सरप्लस टू बी टेकन बैलेंस शीट आपको ओपनिंग प्रॉफिट गिवेन आपको टू करोड़ है। करोड़ आपकी वैल्यू है राइट करोड में है प्रॉफिट इस साल जो है इतना हुआ उसमें से इतना ट्रांसफर कर दिया जर्नलिज्मिक रिप्लेसमेंट रिजर्व में इतना ट्रांसफर कर दिया डिविडेंड ये आपका ट्रांसफर चला गया क्लोजिंग प्रॉफिट इतना बचा आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉई इं, बेनिफिट एक्सपेंस इंक्लूड थ्री करोड़ फॉर रेमेशन टू डायरेक्टर्स एंड ट्वेल्व करोड़ फॉर डिपार्टमेंट अदर देन अदर्द एंड देखिए टोटल जो एम्प्लॉई बेनिफिट कितना है आपको एटीन करोड़ गिवन है अठारह करोड़ अब बोल रहे हैं कि अट्ठारह करोड़ में से तीन करोड़ तो आपका डायरेक्टर का है कोई दिक्कत नहीं है ये पार्ट है

कॉस्ट गिवन आपको आठ करोड़ तो आठ करोड़ में से थे तो दो करोड़ तो आपका कैसा लगेगा शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म जो कॉस्ट मिल जाएगी बाकी छह करोड़ आपकी एप्लीकेशन से जाएगी देन अदर मैनुफेक्चरिंग एक्सपेंस इंक्लूड गिवन है सेवन पॉइंट uh, आपका and, and, uh, तो आपको किसका पार्ट बन जाएगा आपका यहाँ पर देखिए जो मैनुफेक्चरिंग कहाँ गया ये रहा तो थर्टी टू टू पॉइंट सेवन में से और सेवन पॉइंट सेवन जो लेस करेंगे वो सारा मैनुफेक्चरिंग बाकी सारा एप्लीकेशन चला जाएगा नाउ वी नीड टू प्रिपेयर वैल्यू एडिड स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट आगे लिखा हुआ है कि एज्यूम करो कि आपका जो एक्साइज ड्यूटी है वो कितना है फोर है फोर है ऑल तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको देखिए सेल्स गिवन आपको टू हंड्रेड टेन राइट देखिए यहाँ से टू हंड्रेड टेन टू हंड्रेड ट्वेंटी है सॉरी ये टू हंड्रेड ट्वेंटी होगा सॉरी टू हंड्रेड ट्वेंटी होगा आप देखिए यहाँ पर क्या क्या लेस करेंगे यहाँ से सारा हम एक बार हम सब देख लें पूरा स्टेटमेंट आपका तो देखिए आपको ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा आपका तीनों तीनों तो ये सब माइनस हो गए हैं इंप्लॉय बेनिफिट मैंने देखा था पंद्रह करोड़ वहाँगा तीन करोड़ यहाँगा फाइनेंस कॉस्ट में से शॉर्ट टर्म यहाँ जाएगा अदर मैनुफेक्चरिंग इसमें सबको मिला था जो आपका आगे से 32 में से 32 में से में में यस लेस करोगे तो ये कॉस्ट राइट अच्छा एक्सेस रुटी पाँच करोड़ कैसे आई है यहाँ ध्यान से देखिए पाँच करोड़ कैसा ही आपके है आपके एक्स रोटी ध्यान से सुनिए आपको यह बनता है क्वेश्चन में कि जो आपका एजूम करना है आपको चार परसेंट बोर्ड का राइट तो देखिए यहाँ पर कैसे करना आपको जस्ट अ अकेंड अच्छा स्टूडेंट ये आपका ना एक्चुअली टू हंड्रेड टेन ही है ये टू हंड्रेड टेन ही है तो उसको आप टू हंड्रेड टेन ही लिखे चलो राइट हाँ जी हम बात कर रहे हैं देखिए एक्साइज ड्यूटी पाँच कोड कैसा है जहाँ से देखिए कैसा आया ये लिखा हुआ था कि एक्साइड ड्यूटी से चार परसेंट किसका कॉस्ट ऑफ बोट इन मटेरियल हम ये निकाल रहे हैं राइट तो अगर मैं इन सबको अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आपका जो टोटल बन रहा है वो देखिए इस तरह से बन रहा है कि अगर टू हंड्रेड टेन में से अगर मैं ये सब माइनस कर दूंगा तो ये आपका बनेगा दैट इज अच्छा देखिए एक काम करते हैं जैसे मान लीजिए ये अभी आपको गिवन नहीं है उसको आप कुछ टाइम के लिए आप इसको लेट कर लीजिए आप इसको एक्स लेट कर लीजिए राइट अगर मान लीजिए मैं इन सबको ऐड करूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल वर्ड अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल वर्ड तो आपका ये है ना सॉरी ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोर्ड देखिए आप ये है दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इन इन्वेंट्री एंड कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स मेरे लिए आपकी मटेरियल ये ये खर्चा आपका राइट अगर मैं इन तीन को ऐड करूँ तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज वन टी टूल्व दैट इज वन टी फाइव राइट इसका आप चार परसेंट निकाल लो तो चार परसेंट कितना गया पाँच तो वही लिखा हुआ मैंने ये फाइव करोड़ राइट right? दैट्स और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें क्या क्लास स्टूडेंट्स आपको ना लिखा हुआ है कि एज्यूम करना कि जो एक्साइज रुटी है वो चार परसेंट है किसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोर्ड का तो जो आप जितनी जितनी भी आपने जो खर्चा किया है मटेरियल को लाने में राइट तो सबको ऐड बैक करूँ तो ऐड कर कितना गया एक सौ पच्चीस करोड़ उसका चार परसेंट कितना आ तो गया पांच करोड़ तो भाई आपकी वैल्यू आ गई दैट्स इट तो वैलिड कितना आ गया पचास करोड़ अदर इनकम दस करोड़ ऐड कर दो तो ग्रोथिट कितना आ गया साठ करोड़ अब वैलिडी में देखिए इम्प्लॉय कितना पे कर रहे थे बारह करोड़ भी मैंने देखा था क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए अट्ठारह करोड़ ना अठारह करोड़ में से हमने देखा था ये बारह करोड़ तो किसको मिल रहा है एम्प्लॉइज को और तीन करोड़ किसको मिल रहा है डायरेक्टर को तो डायरेक्टर का तीन करोड़ यहाँ पर आ जाएगा राइट अच्छा सेस एंड लोकल टैक्सेस आपको बताया था यहाँ पर हमने भाई मैनुफैक्चरिंग से इतना तो आपको एक्साइज में चला गया इनकम टैक्स कितना है थ्री पॉइंट थ्री तो ये कितना छः करोड़ फाइनेंस के लिए आपने देखा था आठ माइनस दो छः करोड़ शेलरों कितना तो पे करें इंटरन डिविडेंड तीन करोड़ डेपेशन गिवन आपको पाँच करोड़ रिटर्न प्रॉफिट थ्री माइनस टू कैसा यहाँ पर देखिए क्लोजिंग यहाँ पर देखिए क्या था यहाँ पर देखिए क्लोजिंग प्रॉफिट कितना था तीन करोड़ ओपनिंग कितना था दो तो माइनस करोड़ तो रिटर्निंग प्रॉफिट कितना हुआ एक करोड़ का जनरलिज्म जे इतना ट्रांसफर कर रहे हैं है। फिक्स एसेट रिप्लेसमेंट रिज्म इतना ट्रांसफर कर रहे हैं टोटल आपका मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन कितना का तीस करोड़ सबको ऐड करो कितना आगा साठ करोड़ और बाकी सबका हमने कह निकाल लिया परसेंटेज एम्प्लॉय कितना हो रहा है बीस परसेंट पर हो रहा है डायरेक्टर पे पाँच परसेंट हो रहा है सरकार पे जो टैक्स हो रहा है दस परसेंट का फाइनेंस पे कॉस्ट कितनी हो रही है टेन uh, परसेंट शेल्ड रुपये पाँच परसेंट एंड कंपनी अपने ऊपर कितना खर्चा कर रही है एन टी पे खुद पे 50%. तो पर फिफ्टी परसेंट चलिए नंबर फोर कैलकुलेट वैल्यू एडिट पर एम्प्लॉई एवरेज अर्निंग्स पर एम्प्लॉई पर शेयर सेल्स पर शेयर सेल्स पर एम्प्लॉई पेरोल वैल्यू एडिड रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ हंड्रेड एम्प्लॉइज वर्क इन द कंपनी फ्रॉम फॉलोइंग ऑलराइट आपको ग्रोस वैल्यु गिवन है एम्प्लॉयज इंप्लॉय गिवन है सेल्स गिवन है देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जयपुर लग जाएगा पर, लग जाएगा आपको है ही नहीं देखिए पहले क्या पूछा आपसे निकालना है निकालना है ग्रोस वैल्यू सॉरी वैल्यू एडिड पर स्टेटमेंट तो ग्रोस वैल्यूड कितना आपका सेवेंटी फोर लाइक ट्वेंटी थाउजेंड टोटल नंबर इम्लेस कहते हैं हंड्रेड डिवाइड कर दो खत्म देन एवरेज अर्निंग्स

टोटल से इतनी है नंबर हम लेते हैं तो ये आंसर आएगा आया अच्छा पेरोल पेरोडेड देखिए पेरोल सेलेट यहाँ पर क्या था यानी कि एम्प्लॉई पे कितना खर्चा हो रहा है एज कम्पेयर टू वेलेटेड राइट हम प्रोपोर्शन जानना चाह रहे हैं ये बेसिकली ये वही है ये आपसे परसेंटेज ही पूछ रहे हैं बेसिकली ये परसेंटेज पूछ रहे हूँ कुछ नहीं राइट तो बस कुछ नहीं है आपका एम्प्लॉय इंप, तो कितना आएगा थर्टी थ्री पॉइंट पॉइंट फोर टू परसेंट ईजी है कोई दिक्कत नहीं है नंबर मीटो क्वेश्चन नंबर फाइव टोटल वैल्यूड कितना के बने सिक्स करोड रेवेन्यू यानी कि सेल्स की टू हंड्रेड करोड़ बेनिफिट एक्सपेंस की ट्वेल्व करोड़ेड कैलकुलेट वैल्यू एडिड पर एम्पलॉई एवरेज अर्निंग एम्प्लॉई सेल्स पर एम्प्लॉई पेरोल वैल्यू एडिट सेम है को, कोई दिक्कत नहीं है बस है तो वैल्यू एडिड परो डिवे एट हंड्रेड दट इज सेवन लाइफ फिफ्टी थाउजेंड एवरेज अर्निंग्लॉई दैट इज एम्प्लॉज को तो ये आ गया Sales divided by number of employees yoga yoga payroll that means employees cost divided by value added that is 12 crore divided by 60 crore to 20%. So simple. Now last one is that is total value given that is 60 crore. Employee benefit expense that is 12 crore. Calculate the bonus to be paid to the employees if any for the year 2023. If any improvement in the target index that is employees goes to value added is to be shared by the employer and the employee in the ratio of one is to two and the target index is that is twenty five percent देखिए यहाँ पर कंपनी का प्रश्न बोलना रही है कि कंपनी का यहाँ पर एम्प्लॉज को जो है बोनस पे करना है और बोनस क्या होगा भाई इन एडिशन जो है यानी कि शर्त रखी है कि जितना भी जो टारगेट इंडेक्स है उस ठीक है जो टारगेट इंडेक्स कितना है बीस परसेंट इतना है राइट और जो वैल्यू एडिशन का जो भी प्रोपेशन होगा उसको कंपेयर करेंगे

खर्चा कितना कर रहे हैं बीस बीस परसेंट टारगेट डेस कितना था यानी कि कंपनी को देना कितना था पच्चीस परसेंट लेकिन कंपनी ने दिया कितना बीस परसेंट राइट अब वैल्यूड कितना हुआ साठ करोड़ का राइट यानी कंपनी को ऑन एडिशन दिखाया जाता पाँच परसेंट का जो है बोनस देना चाहिए पाँच परसेंट लेकिन पाँच परसेंट किसका मिलेगा सॉरी पाँच फाइव करोड़ सॉरी ऑन इन एडिशन टू तो फाइव राइट बट एम्प्लॉय के यहाँ पर रखी रेशियो कहते हुई थी वन इज टू है ये किसकी है इम्प्लॉय रखी ये कितने एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉय जाएगा टू बाय थ्री तो वो लिखा हुआ टू बाई थ्री तो बस एम्प्लॉय को अब बोनस कितना हमलाएगा दैट इज टू करोड़ राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द वैल्यू एडिड स्टेटमेंट आपको कैसे निकालने हैं इसके एप्लीकेशन कैसे आते हैं रिकनसलिटेशन कैसे निकालते हैं रेशियोज कैसे मिलते हैं वी हैव डिस्कस ऑल थिंग्स राइट